जर्नी को कंसिडर किया। क्या जर्नी कंसिडर की कि अगर सपोज एक कार 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 10 सेकेंड में, और अगर हम वेलोसिटी निकालने चाहें तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमारे पास वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड, पर वो एक एवरेज वेलोसिटी होगी। और मैंने क्या किया, मैंने इस प्रॉब्लम को और डीप एनालिसिस किया और इस जर्नी को मल्टीपल इंटरवल्स में डिवाइड किया, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर, और देखा कि टोटल टाइम 10 सेकंड ही है लेकिन हर इंटरवल में स्पीड क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। राइट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं और ये जो कैलकुलेशन है ये मैच नहीं कर रही, ये एक एवरेज वैल्यू है और ये हर इंस्टेंट की वैल्यू है। अब लेट अस सपोज मैं और डीप एनालिसिस करना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये स्टोरी भी सही है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इंटरवल को भी फर्दर मल्टीपल इंटरवल्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 मीटर को कर दूंगा 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर, 2 मीटर पूरे, और टाइम टेकन 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड या 0.001 सेकेंड, तो मैं सब इंटरवल्स में से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, टू चेक द एक्यूरेसी कि एग्जैक्टली वो ड्राइवर गाड़ी चला कैसे रहे। ठीक है, जितना डीप इंटरवल करूंगा, जितना डीपली कैलकुलेट करूंगा, जितने छोटे इंटरवल पे जाऊंगा मेरी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक, अब कितना डीप जाऊं, मैंने अभी 2-2 मीटर के इंटरवल किए, किसी स्टूडेंट ने सजेशन दिया सर 2 मीटर से बात नहीं बनने वाली, क्या पता ड्राइवर यहां भी 2 सेकंड में 1 सेकंड सोता होगा और 1 सेकंड में जर्नी कवर करता होगा और आपको बताता होगा कि मैंने 2 मीटर कवर किए 2 सेकंड में। तो आप इसको और सब इंटरवल में डिवाइड करो, लेट अस सपोज 1-1 मीटर की चेकिंग करो इस ड्राइवर की। जब मैंने 1-1 मीटर चेक किया तो किसी ने सजेशन दिया सर क्या पता बीच में 0.5 सेकंड के लिए 0.2 सेकंड के लिए ड्राइवर सो जाता हो और आपको गलत इंफॉर्मेशन देता हो, तो आप इसकी और डीप चेकिंग करो। तो ठीक है, मैंने इंटरवल 1 मीटर की जगह 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर कर लिया। किसी ने कहा सर नहीं और डीप चेकिंग करो, क्या पता वो सही करता हो नहीं करता हो, तो ठीक है मैंने इंटरवल 0.4 सेकंड 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर कर लिया, 0.2 मीटर 0.2 मीटर 0.2 मीटर कर लिया, अच्छा चलो 0.1 मीटर 0.1 मीटर कर लिया। इंटरवल ही तोड़ने हैं ना, जितने छोटे इंटरवल में जाऊंगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी। अब किसी ने कहा सर 0.1 मीटर ही क्यों, 0.01 मीटर 0.0 में आप एकदम एक्यूरेट काम करो, एकदम एक्यूरेसी लेके आओ, 0.01 मीटर 0.01 मीटर वो भी कर लिया। अब कोई कहता है सर 0.01 मीटर क्यों, 0.0001 मीटर में जाओ। अब यहां एक समस्या हो गई, ये तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो ये तो उसको समझ में आ गया कि मैं अगर एक पूरी जर्नी को बहुत छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ लूं, डिवाइड कर लूं, तो मैं उतना ही एक्यूरेट काम कर पाऊंगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम दूसरी ये है कि कितने छोटे इंटरवल में तोड़ूं, कितना छोटा इंटरवल लूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डन यहां तक। अब न्यूटन ने इसके लिए एक मैकेनिज्म डिवाइड किया या जो है फॉर्मुलेट किया, वो मैकेनिज्म एक मैथमेटिकल टूल था जो बहुत ही ज्यादा छोटे इंटरवल पे काम करता था और उसको प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते थे। डेरिवेटिव का मतलब बहुत छोटा चेंज निकालना, अ वेरी स्मॉल चेंज, क्योंकि यहां तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है पर 10 मीटर से तो हमारी बात नहीं बनने वाली ना, तो हमें तो बहुत छोटा चेंज देखना है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसमें टोटल एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है, 10 मीटर चेंज हो रहा है। पर न्यूटन क्या चाहता था कि मैं बहुत छोटे इंटरवल का चेंज मेजर करूं, कितना छोटा उसको खुद ही नहीं मालूम कितना छोटा, तो कोई जितना छोटा हो सकेगा उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो उसने एक मैकेनिज्म फॉर्मुलेट किया जिसको प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते थे। डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बहुत छोटा चेंज निकालना, राइट, डेरिवेटिव मींस अ स्मॉल चेंज निकालना, कितना स्मॉल, जितना छोटा हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है उतना छोटा चेंज। ठीक है यहां तक? और उसने इस पूरे मैकेनिज्म को नाम दिया कैलकुलस, या जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं।
तो एक मैथमेटिकल टूल उसने निकाला जो कि जिसका जो जो कि कैटेगरी है, किसकी कैटेगरी, या इन शॉर्ट छोटे वर्ड सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, जिसने जो नाम दिया गया वो था कैलकुलस। उसने कैलकुलस बनाया जो कि बहुत छोटे इंटरवल पे काम करता था। अब ये जो कैलकुलस उसने बनाया वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया था, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स, जो ऐसी मोशंस की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, उसकी ये प्रॉब्लम थी कि उसने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया पब्लिक को, क्योंकि जब एक साइंटिस्ट काम करता है तो एक पेपर पब्लिश करता है अपने नाम से, ताकि साइंटिस्ट कम्युनिटी में बता सके कि मेरी अचीवमेंट है। उसने नहीं बताया। लेबनीज एक साइंटिस्ट था, वो मैथ्स का साइंटिस्ट था, मैथमेटिक्स उसकी ब्रांच थी, और मैथ्स की सेम प्रॉब्लम है, मैथ वेरिएबल में काम करता है और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो मैथ्स वाले लोग भी एक बहुत छोटे वेरिएबल पे काम करते हैं, और लेबनीज मैथ्स के साइंटिस्ट ने सेम चीज निकाली, एक बहुत छोटी चीज पे कैसे काम करते हैं, उसने भी कैलकुलस की उसी एरा में उसने भी फॉर्मुलेट कर दिया, पर उसने अपना वर्क पब्लिसाइज किया। इन दोनों की लड़ाई कई साल तक चली, और जैसे ही इसका वर्क पब्लिसाइज हुआ लेबनीज का, न्यूटन को पता लगा। आप ये सारी स्टोरी सुन सकते हो, विकिपीडिया हर जगह लिखी हुई है। तो विद इन नो टाइम उसने लोगों को बताया कि ये चीज मैंने फॉर्मुलेट की। साइंटिस्ट कम्युनिटी से पूछा कैसे फॉर्मुलेट की, उसने इमीडिएटली बताया इसका ये सोल्यूशन है। लोगों को मानना पड़ा कि इतना जो माइन्यूट मैथ्स है, जो कैलकुलेट किया, वो एक दिन में तो फॉर्मुलेट नहीं हो सकता, या एक हफ्ते में फॉर्मुलेट नहीं हो सकता। तो उसने उसी चीज को न्यूटन ने किसी और तरीके से फॉर्मुलेट करके दिखाया, सॉल्व करके दिखाई प्रॉब्लम, और लेबनीज ने किसी और तरीके से फॉर्मुलेट करके दिखाई। दोनों का नाम दर्ज है हिस्ट्री में कि दोनों ने कैलकुलस की शुरुआत की। ठीक, और अब आप सोचोगे कि ये स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूं, की होगी 17th सेंचुरी में, हम क्या कर सकते हैं, की होगी। मैं बताता हूं उन्होंने ऐसा क्या हुआ। तो आज तक ये नहीं पता लगा कि पहले किसने किया, लेकिन दोनों का नाम है। अब कैलकुलस जो ब्रांच ऑफ मैथ्स बोलते हैं इसे, एक्चुअल में मैथ्स वालों ने बहुत काम किया कैलकुलस पे, और इतना काम किया कि प्लस टू का 2 महीने का सिलेबस, जो प्लस टू के मैथ्स के टीचर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को जो पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर 2 मंथ्स कैलकुलस पढ़ाया जाता है। फिर नॉन मेडिकल वाले जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में उनको मैथ 1 लगता है, फिर सेकेंड में मैथ 2 लगता है, फिर मैथ 3 लगता है। वो 1.5 साल और मैथ्स का सिर्फ कैलकुलस पढ़ते हैं। तो उस दिन से लेके आज तक कैलकुलस इतना बड़ा हो गया कि आपको एटलीस्ट आज से लेके अगले 3 साल तक नॉन मेडिकल वालों को कैलकुलस की एप्लीकेशन सिखाई जाएगी, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग कैलकुलस बेस्ड है। जो मशीन बनेगी, उस मशीन का जो मैथ्स की कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलस बेस्ड होता है, क्योंकि मशीन या कोई भी चीज है वो हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगी, चेंज करेगी गाड़ी की तरह। तो कैलकुलस हर जगह आपको मिलेगा। तो आपके, क्योंकि जो फिजिक्स ऑब्वियसली जो है वो तो साइंस है, जो मदर है इंजीनियरिंग की, साइंस तो यहीं से स्टार्ट हुई है इंजीनियरिंग के ब्रांचेस, तो आपके सिलेबस का पहला पार्ट जो हम करेंगे, सिलेबस का पहला पार्ट है कैलकुलस। तो ये कैलकुलस बीच में फिट इन कैसे होता है सिलेबस में, समझ में आया? जब आप बुक्स के कंटेंट पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा मैथमेटिकल टूल्स, तो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे बड़ा टूल, सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होगा, कैलकुलस। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। तो सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, और सिलेबस का फॉर्मुलेशन बता रहा हूं कि बनाने वालों ने सिलेबस को फिजिक्स में कैसे फॉर्मुलेट करके दिखाया हुआ है, ताकि आपको एकदम फ्लेवर मिले कि फिजिक्स किस लेवल पे जाने वाली है, और आपको एक आइडिया तो मिल ही गया कि न्यूटन की तरह कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत छोटे इंटरवल में आज लेके जाने वाला हूं, और वो बहुत छोटा इंटरवल कैसे सॉल्व होता है वो तो नहीं आज बता पाऊंगा, बट वहां तक लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको पता लगेगा, या उससे नेक्स्ट टाइम पता लगेगा कि कैसे सोल्यूशन निकले उसके। बट आपको पहली चीज समझ में आई कि आपकी फिजिक्स बिना कैलकुलस के नहीं चल सकती। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, कैलकुलस करने के बाद हम क्या करेंगे, सीख लिया, इट्स अ मैथमेटिकल टूल, और मैथमेटिकल टूल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैं आपको एक कार का इंजन खोलने को कहूं कि, और सिखाऊं कि कार का इंजन कैसे काम करता है। तो इंजन खोलने के लिए आपको एक टूल चाहिए होगा, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी चीज हो। तो
तो आप ये समझ लो कि आपको अगर फिजिक्स को खोलना है तो वो स्क्रू ड्राइवर का काम कौन कर रहा है? कैलकुलस। ब्रांच ये फिजिक्स की नहीं है, ब्रांच ये मैथ्स की है, मैथ्स के टीचर करवाएंगे। पर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी फिजिक्स तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं कैलकुलस नहीं सिखा दूंगा। तो अगले 10 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम ब्रांच ऑफ मैथ्स डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैलकुलस। उसके बाद क्या होगा, हम कैलकुलस को अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे? किसी भी चीज पे। जैसे एक कार चल रही है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया अभी आपको, एक कार चल रही है और हर इंस्टेंट पे कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इतने छोटे इंटरवल पे, कितने छोटे पे, टाइम टी इज इक्वल टू 0.00001 सेकंड पे, इतने छोटे इंटरवल पे हम वेलोसिटीज को निकालेंगे। या लेट अस सपोज पंखा घूम रहा है, बाद में करेंगे हम इसे भी, फैन घूम रहा है, फैन की स्पीड हर इंस्टेंट पर सेम नहीं है। हम चलो ठीक है 9/10 में करते हैं, फैन इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ सो एंड सो, हम तो एवरेज से काम करते हैं। 9/10 तो एवरेज पे चल पड़ती है, 9/10 तो एक्यूरेट चलती नहीं है, वो तो एक बस ऊपर ऊपर से चलती है कि चलो एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। बट एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हर इंस्टेंट पर भी फैन की स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती है। तो जो स्मॉल इंस्टेंट पे कैलकुलेशन है वो आपको कैलकुलस करके दिखाएगा। फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। एक टैंक है पानी का घर में लगा हुआ है, जो टैंक लगा होता है सिंटेक्स का, उसमें से नीचे टैप लगाया हुआ है और पानी निकल रहा है और बाल्टी भर रही है, एक बकेट भर रही है। अब बकेट जो भर रही है उसमें वॉल्यूम गिर रहा है वाटर का, एक सेकेंड में कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर इकट्ठा हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है यहां तक। अब नॉर्मली आप मेंस्ट्रुएशन में करते हो कैलकुलेट की, सपोज एक पाइप है, पाइप में से पानी निकल रहा है, टैंक फिल हो रहा है, और बताओ कितना वॉल्यूम इकट्ठा हो जाएगा इतनी देर में। मेगा से ऐसी 10th में प्रॉब्लम्स आती होंगी कि कितना अमाउंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पे एग्जांपल्स किए होंगे आपने, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कमिंग आउट पर सेकेंड। हम कहते हैं ठीक है 4 लीटर ऑफ वाटर निकलता है पर सेकेंड, पर एग्जैक्टली अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाओगे, क्या सच में एक सेकेंड में मेजर करोगे तो हमेशा 4 लीटर पानी निकलेगा? नहीं, चेंज भी तो हो सकता है। एक टैप में से जब पानी निकलता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हाँ ठीक है, हम इतने एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करते, हम बस एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। बट अगर कोई कहे कि मुझे तो बहुत स्मॉल इंटरवल पे काम करना है, कि अब बताओ कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.0001 सेकंड पे कितना वॉल्यूम निकल रहा है, या टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना वॉल्यूम निकल रहा है, आंसर में चेंज आएगा। हर इंस्टेंट पर चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ये चेंज वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चेंज वर्ड कौन सिखाएगा? कैलकुलस। तो अगला चैप्टर जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, कार्स या किसी व्हीकल की मोशन, जब गाड़ी चलती है तो उसकी मोशन को डिफाइन करेंगे। और कोई गाड़ी चलती है उसकी मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या थी, एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड वेलोसिटी क्या थी, या मान लो पूरी जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, या पूरी जर्नी में उसकी किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या थी, कुछ भी ऐसी चीजें जो आप 9/10 में शायद करके भी आए होंगे, वी यू प्लस ए टी ऐसे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें क्या प्रॉब्लम था, आपको यू गिवन होता है, वी गिवन होता है, टाइम निकाल दो, या एस पता है, ए पता है, टाइम निकाल दो, ऐसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हर इंस्टेंट पर वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी, और किसी भी इंस्टेंट पर प्रॉब्लम आएगी, एवरेज के ऊपर नहीं आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो फिजिक्स वालों ने मोशन को, किसी भी कार की मोशन या इस स्टडी को, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको बोलते हैं, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो मोशंस को डिफाइन करती है और स्टडी करती है, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो आपके सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड नॉट मैथ्स, जो कि कैलकुलस को यूज करके बॉडी की मोशन को आप स्टडी कर सकते हैं, कि किसी भी इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड क्या है, या एक्सेलरेशन क्या है, या टाइम क्या है। ठीक, तो आपके सिलेबस का सेकंड जो पार्ट होगा वो काइनेमेटिक्स होगा, और क्या स्टडी करता है, मोशन, और मोशन में क्या आएगा, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी की मोशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, गाड़ी अगर मोशन में आई तो आई कैसे, किसी ने क्या लगाई, फोर्स लगाई, फोर्स के बिना तो नहीं आ सकती। अगला चैप्टर आपके सिलेबस का फोर्स, तो गाड़ी आई कैसे, फोर्स लगा के आई, तो अगला चैप्टर क्या होगा, फोर्स। या गाड़ी अगर रेस्ट पे आई
तो आपने क्या लगाई रोकने के लिए फोर्स, चलाने के लिए भी फोर्स, रोकने के लिए भी फोर्स। तो ये सारी कितनी फोर्स से गाड़ी रुकेगी, कितनी फोर्स से 10 मीटर पे ही गाड़ी को रोकना है, कितनी फोर्स लगाऊं कि 15 मीटर पे ही गाड़ी रुके, फोर्स बताएगा। या सपोज करो गाड़ी को आपने एक बार स्लाइड करके छोड़ दिया, वो सड़क पे फिर भी रुकेगी, क्यों? क्योंकि रोड पे क्या होती है, फ्रिक्शन या एयर का ड्रैग उसको रोकेगा। तो फोर्स का ही आगे सब टॉपिक है, फ्रिक्शन।